प्रथम तहलका न्यूज। और भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भिवानी में बुजुर्ग सम्मान भत्ता के लिए 42 आवेदन जो है वो आए हैं। आपको बता दें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सभी आवेदन लिए गए हैं। आपको बता दें कि बहल उप तहसील में जो है वो एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि बुजुर्ग सम्मान भत्ता के लिए 42 आवेदन जो है वो आए हैं। आपको बता दें कि कैंप में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा सभी के लिए आवेदन आए हैं। और ब्लॉक में महीने में दो बार जो है इस तरह का कैंप लगाया जाता है, जिसमें विकलांग, बुजुर्ग और विधवा जो है वो सम्मान भत्ते के लिए आवेदन करते हैं। और आपको बता दें कि इस बार जो है वो इस कैंप में 42 आवेदन जो है वो आए हैं। आपको बता दें कि कैंप में मौजूद अधिकारी ओम प्रकाश ने आवेदन को लेकर जानकारी साझा की और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आवेदन आए, कितने फार्म लिए, कैसे के डॉक्यूमेंट चेक करिए। आज 42 फार्म आए हैं विभिन्न पेंशन योजना के, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और लाडली पेंशन और हैंडीकैप, इनके 40 फार्म आए। इनकी समस्या समाधान कितने दिन में हो जाता है? इसका 60 दिन का, सरकार ने 60 दिन का टाइम दिया, 60 दिन के अंदर में इनका पेंशन घोषणा। कोई कमी आओ तो फॉर्म में लोग कैंसिल की जाए, कमियाँ हो तो जितना कमियाँ दुरुस्त होने का अगर प्रावधान है तो दुरुस्त करवा दी जाती है, अन्यथा मैं फार्म रिजेक्ट कर सकता। क्या नाम है सर? ओम प्रकाश। ओके सर। कृष्णा देवी, आवेदन आए, कितने फार्म लिए, कैसे के डॉक्यूमेंट चेक करिए। आज 42 फार्म आए हैं विभिन्न पेंशन योजना के, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और लाडली पेंशन और हैंडीकैप, इनके 40 फार्म आए। इनकी समस्या समाधान कितने दिन में हो जाता है? इसका 60 दिन का, सरकार ने 60 दिन का टाइम दिया, 60 दिन के अंदर में इनका पेंशन घोषणा। कोई कमी आओ तो फॉर्म में लोग कैंसिल की जाए, कमियाँ हो तो जितना कमियाँ दुरुस्त होने का अगर प्रावधान है तो दुरुस्त करवा दी जाती है, अन्यथा मैं फार्म रिजेक्ट कर सकता। क्या नाम है सर? ओम प्रकाश। ओके सर।